देखिए यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल हमारा हो चुका है गरम। तो हमने दो प्याज कट कर लिए हैं, इसमें डाल लेंगे हम दो प्याज जो हमने कट कर लिया है। इनको भूनने देते हैं, अच्छे से इसको फ्राई होने देंगे। देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है और यहाँ पे हम शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। आपने इसे चला लेना है और इसमें ही जाएगी ये मटर 100 ग्राम। इसे 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। यहाँ पे इसे फ्राई होते हो गए हैं 2 मिनट। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं 4 हरी मिर्च जो हमने कट कर लिया है। और ये 2 टमाटर जिसे हमने बड़े साइज में काटा है, इसे भी इसमें डाल लेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसे पकने देते हैं, यहाँ पर पके नहीं है तो इसे पकने देते हैं। देखिए टमाटर हमारे पक चुके हैं, अब इसमें डाल लेंगे हम अपने मसाले। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा ये 1 चम्मच लाल मिर्ची और 1 ही चम्मच जाएगा इसमें हल्दी, 1 चम्मच यहाँ पे पिसा हुआ धनिया। गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालूंगी। 1 ही चम्मच यहाँ पे नमक लेती हूँ और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद हम इसे ढक देंगे, फिर 1 मिनट के लिए हम इसे पकने देते हैं। लेंगे हमारा मसाला कैसा भुना है। तो देखिए मसाले ने अच्छा कलर छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे गाजर जो हमने पहले ही कट कर लिया था, ये गाजर डालेंगे हम इसमें। अच्छे से चला देंगे इसे और अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच के करीब ही हमने यहाँ पर हींग डाली है। तो देखिए हमारी सब्जी में कितना अच्छा कलर आ गया है। देख लेते हैं, हमारी सभी सब्जियाँ भून चुकी हैं। अब इसमें हम सबसे लास्ट में डालेंगे ये आड़ू। अब इसमें हम डालेंगे ये आड़ू जो हमने कट करके रखे थे। आलू यहाँ पर हमने 4 लिए हैं। तो यहाँ पे हम सब्जी 4-5 लोगों के लिए बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे 2 लोगों को बना लिए बना रहे हो तो इसमें सामान को थोड़ा कम ले सकते हो। जैसे कि आलू आपने 2 ले लिए हैं, ज़्यादा नहीं लेना है आपको आलू को। देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम पानी ऐड नहीं करने वाले, हम इसे बगैर पानी से बनाएंगे ऐसे ही। तो अब हम अपने कुकर को देंगे लगा, हम लगा लेंगे कुकर के ढक्कन को। देखिए कितना अच्छा कलर आया सब्जी में। और अब ये डाल लेंगे हम इसमें हरा धनिया जिसे हमने कट कर लिया था, इसे भी कर लेंगे मिक्स। और अब सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है।